वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे फ्रांस को लेके, और प्रेजेंटली फ्रांस ने इंडिया को एक बहुत बढ़िया डील प्रोवाइड किया है, जिसमें फ्रांस ने कहा कि वो लोग अपने तरफ से 100% जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करेगा इंडिया के साथ, जिसमें अगर आप देखें तो न्यूक्लियर सबमरीन से जो अंडर वाटर ड्रोन होता है वो भी है, साथ ही साथ जो जेट इंजन है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है, हम लोग जेट बनाते हैं मगर जो इंजन है वो हम लोग बाहर से खरीदते हैं, तो वो जेट इंजन का भी जो टेक्नोलॉजी है वो 100% फ्रांस हम लोग के साथ शेयर करेगा। इसके अलावा भी अगर देखें डिफरेंट टाइप ऑफ जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स होता है, साथ ही साथ जो मिलिट्री सैटेलाइट्स होते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन सारा टेक्नोलॉजी फ्रांस अभी इंडिया के साथ शेयर करने वाला है। और ये जो अनाउंसमेंट है ये फ्रांस ने अभी कर दिया है, और एक्सपेक्टेड है कि 30 सितंबर मतलब इसी महीने के 30 तारीख को हमारे जो अजीत डोवल साहब है वो फ्रांस जाएंगे, और फ्रांस के जो मिनिस्टर है उन लोगों के साथ पेरिस में मीटिंग करेंगे, और रिगार्डिंग द एंटायर थिंग अजीत डोवल के साथ फ्रांस मिनिस्ट्री का बात होगा, फिर आगे जैसे भी इसको एस्केलेट किया जाएगा वो सब डिसीजन लिया जाएगा। मगर ये सब सुन के आपको लगेगा कि अचानक से फ्रांस इंडिया के साथ इतना प्यार कैसे दिखा रहा है, मतलब हम लोग को तो पता है भाई जियो पॉलिटिक्स में कोई भी किसी को मतलब एक पैसा भी फ्री में नहीं प्रोवाइड करते हैं, और अचानक से फ्रांस इतना इंडिया के साथ फ्रेंडली कैसे हो गया। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए तो हम लोग को इसका आंसर मिल जाता है, इसमें दो रीज़न है। एक टाइम में ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रांस का डील हो रहा था, और ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से जो न्यूक्लियर सबमरीन से मतलब न्यूक्लियर अटैक सबमरीन वही खरीदने वाले थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो डील लगभग हो चुका था, और बीच में अचानक से US और UK कूद गया, और वो लोग बोले कि भाई ऑस्ट्रेलिया को क्या आप लोग इतना पैसा से ये फ्रांस से ले रहे हो, ये सब छोड़ो हम लोग आपको उससे बेटर डील प्रोवाइड करेंगे, और पूरा डील जो है वो कैंसिल हो गया फ्रांस के साथ। तब फ्रांस चुप रहा, फ्रांस ने अपने तरफ से कुछ नहीं बोला, क्योंकि कम्प्लीटली डिपेंड करते ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि वो किससे सामान खरीदेगा। और आज के डेट में जब मोदी जी हमारे PM क्वाड में गए, क्वाड मीटिंग में US में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चांसेस बहुत हाई है कि भाई मोदी जी कोई भी डिफेंस डील में साइन करे जो आगे जाके US के साथ इंडिया का जो रिलेशन है उसमें भी हेल्प करे, साथ ही साथ इंडिया जो है US से ये जो जेट इंजिन से या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है या फिर जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो खरीदे। तो इससे पहले ही फ्रांस ने क्या, फ्रांस ने अपने तरफ से ये अनाउंस कर दिया कि भाई इंडिया को ये सब, अगर इंडिया जा रहा है US के पास उससे पहले हम लोग इंडिया को ये सारा बेटर डील प्रोवाइड करेंगे, वो भी 100% जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करेंगे। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो टेक्नोलॉजी है फ्रांस हम लोग को दे देगा और इंडिया में ये मैन्युफैक्चर होगा। अगर हो सकता है तो इन फ्यूचर जाके वो जो टेक्नोलॉजी है उस पर हम लोग और भी वर्क करके या फिर और भी रिसर्च करके उस टेक्नोलॉजी को भी हम लोग एनहेंस कर सकते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो डेवलप करने के बाद वो जो टेक्नोलॉजी होगा वो कम्प्लीटली हम लोग का खुद का होगा। ऑन द अदर साइड जो भी इसमें बनाया जाएगा, चाहे वो सबमरीन्स हो, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन्स या फिर एयरक्राफ्ट का जो इंजन हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सब मेड इन इंडिया होगा। और फ्रांस इसमें कम्प्लीटली सेटिस्फाई है, फ्रांस का कहना है कि भाई हाँ हम लोग 100% जो टेक्नोलॉजी है वही शेयर करेंगे इंडिया के साथ। अब मोदी जी जब US गए हैं तो हो सकता है कि US बोलेगा कि भाई हम लोग के पास ये सब नया टेक्नोलॉजी आया है, ये आया है, वो है, आप हम लोग को पैसा दीजिए और ये सब जो है हम लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं और आप हम लोग को ले लीजिए हम लोगों के पास से, क्योंकि ये चांसेस बहुत हाई है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ठीक वही टाइम में, क्योंकि हम लोग को पता है 30 सितंबर अभी बहुत देर है, मगर इससे पहले ही अगर फ्रांस ये सारे अनाउंसमेंट कर देता है तो ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइड है कि भाई इंडिया के पास एक ऑप्शन है, अगर US देता है तो ठीक है, अगर US नहीं देता है तो हम लोग फ्रांस से लेंगे। ऑन द अदर साइड फ्रांस हमेशा बोल रहा है कि भाई हम लोग आपको जो डील प्रोवाइड करेंगे वो बेटर डील होगा, मतलब हम लोग को और भी सस्ता में मिलेगा। और फ्रांस का इंडिया को ये डील प्रोवाइड करने का जो सेकेंड रीज़न है वो है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि लास्ट टाइम में फ्रांस ने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डील हो रहा था वो US के वजह से छूट गया है, तो फ्रांस ये गलती फिर से करना नहीं चाह रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में देखें, बहुत पहले से ही फ्रांस अपने तरफ से डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो इंडिया को सप्लाई करता था, तो फ्रांस नहीं चाहेगा कि भाई अपना पुराना जो कस्टमर है उसको हम लोग खो दे, जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया को खो दिए, आगे जाके ये कंट्री का ही लॉस है। तो इसलिए फ्रांस बोल रहा है कि चलो भाई हम लोग को अगर इंडिया का जैसे पावर है, इंडिया जैसे ग्रो कर रहे हैं, उनके साथ अगर हम लोग टच में रहेंगे, उनके साथ अगर हम लोग एक दोस्ती निभाएंगे और हम लोगों को जिसमें भी फ़ायदा है तो हम लोग ज़रूर वो डील करेंगे, इंस्टेड ऑफ US के साथ वो डील करता है जिसमें इंडिया का ही ज़्यादा खर्चा होगा। तो ये सब सोच के फ्रांस ने अपने तरफ से ये अनाउंसमेंट किया है, और फ्रांस ने प्रॉमिस किया है कि भाई आप लोग आइए देखिए हम लोग आपको जो डील प्रोवाइड करेंगे इससे बेटर डील मोदी जी US से नहीं ला सकता है। तो नो डाउट ये फ्रांस का एक ऐसा स्टेप है जिसमें US प्रेशर में आएगा और विन विन सिचुएशन में रहेगा इंडिया। ऑन द अदर साइड अगर इंडिया आगे जाकर फ्रांस के साथ डील करता है तो इंडिया का ही फायदा है, क्योंकि फ्रांस जो टेक्नोलॉजी है वो 100% शेयर करे। अगर हम लोग आज के डेट में देखें US कभी भी इंडिया के साथ
जो भी डील होता है उसमें 100% टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते, वो लोग 80% तक जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं 20% जो है वो हम लोग के पास रहेगा। मतलब अगर कुछ भी हो जाता है एंड ऑफ द डे तो हम लोग को यूएस के पास ही जाना होगा। ऑन द अदर साइड फ्रांस ने क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई हम लोग 100% टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो आपका इंडिया में ही होगा, आप लोग अपने तरफ से बनाइए, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हम लोग आपको दे रहे हैं, उसके बाद आप ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए, अगर आप इस टेक्नोलॉजी को और भी डेवलप कर सकते तो और भी अच्छा बात है, और आप अपने तरफ से और भी डेवलपमेंट कीजिए, आगे जाके आप अपने कंट्री में मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट में आप इसको बनाइए और आप इसको यूज़ कीजिए। इसके अलावा भी अगर देखा जाए यूएस के बहुत सारे पैंतरे हैं, यूएस अपने तरफ से इंडिया को फोर्स कर रहा था कि भाई आप लोग जो डील बोले थे वो डील अगर आपको करना है तो अक्टूबर के अंदर में आपको सबको पूरा पैसा जो है वो आपको देना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं देते तो आपका जो प्राइस हम लोग आपको ऑफर किए थे वो रिवाइज होगा, मतलब वो रिवाइज जो है वो आपका पैसा जो है और भी बढ़ जाएगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी आप लोग हम लोगों से खरीदोगे आप लोग को एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए प्रेजेंटली यूएस ये कंडीशन में नहीं है, अगर यूएस बोलता है कि भाई आप लोग पूरा पैसा दो, आप लोग को यही पैसा में मिलेगा, इसमें हम लोग डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम लोग आपके साथ 100% टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोदी जी बोल ही सकते हैं भाई यूएस में बैठ के, ठीक है तब रहने दीजिए, हम लोग देख लेते हैं हम लोग को क्या करना है, आगे मोदी जी वहाँ से ही फ्रांस ट्रेवल कर ले, या फिर अजीत डोवल जो है वो हम लोग के ऑलरेडी 30th को सेप्टेम्बर को जाने वाले, वो आगे बात करते हैं, फिर इंडिया के साथ फ्रांस का जो डील होगा आगे जाके इंडिया में वही सब सामान हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और जब एक बार इंडिया के पास फुलफिल हो जाएगा तो इंडिया में वो सब सामान वही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मैन्युफैक्चर करके दूसरा कंट्री को भी बेच पाएगा। तो नो डाउट इंडिया का अगर देखा जाए चांसेस बहुत हाई है कि फ्रांस के साथ ये डील हो जाए इन फ्यूचर। ऑन द अदर साइड क्वाड में अगर देखा जाए यूएस थोड़ा सा प्रेशर में आ गया रिगार्डिंग फ्रांस का ये जो स्टेप है इसको लेके। ऑन द अदर साइड अगर देखें हम लोग फ्रांस में इंडिया को बहुत सारा प्रॉमिस किया है, जो पहला प्रॉमिस है वो है सबमरीन को लेकर, जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें इंडिया के पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है, मतलब हम लोग के पास जो सबमरीन है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी तक उसमें INS चक्र एक ऐसा सबमरीन था जो हम लोग लीज पे लिए थे रशिया से, और वो 2021 में ख़त्म हो गया लीज। तो उस लीज के अनुसार वो INS चक्र जो है उस INS चक्र को यूज़ करके जो भी कोई नेवी शिप है या फिर कोई अटैकिंग शिप है दूसरा कंट्री का उस पर हम लोग अटैक कर सकते थे, न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो सबमरीन से वो सबमरीन से हम लोग अगर कोई लैंड में या फिर कोई सरफेस में अटैक करना है उसमें हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो इंडिया को नो डाउट अभी सबमरीन का जरूरत है, हो सकता है कि इसी साल के अंदर 2 सबमरीन का जो ऑर्डर है इंडिया अपने तरफ से कन्फर्म कर दे, और यही जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से इसका जो टेक्नोलॉजी है फ्रांस ने कहा कि वो अपने तरफ से 100% इंडिया के साथ शेयर करेगा, आगे जाके ये जो सबमरीन से ये फ्रांस और इंडिया मिलके इंडिया में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। प्रेजेंटली जो इंडियन ओशन का हालत है और डिफरेंट कंट्रीज जैसे इंडियन ओशन में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया को अपने तरफ से जो सबमरीन से जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से उनका जो काउंट है वो बढ़ाना चाहिए। इंडिया को एटलीस्ट और भी 6-7 सबमरीन चाहिए होगा आने वाले सालों में, तो इसीलिए इंडिया ने डिसाइड किया है कि इस साल ही इंडिया अपने तरफ से एटलीस्ट 2 सबमरीन का जो ऑर्डर है वो प्लेस करेगा। अगर ये इंडिया में बनता है तो बहुत ही अच्छा बात है। ऑन द अदर साइड इसके बाद इंडिया अपने तरफ से और भी 4 या 5 सबमरीन जो है वो अपने लिए बनाएगा। जो सेकेंड प्रॉमिस है वो है आपका एयरक्राफ्ट इंजन को लेके, क्योंकि प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें इंडिया अपने तरफ से जो एयरक्राफ्ट है जो ये फाइटर जेट है ये बना ले रहा है, ऑन द अदर साइड जो इंजन है उसके लिए इंडिया को डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूएस अपने तरफ से क्या कर रहे हैं, अपने तरफ से वो इंजन जो है हाँ भाई हम लोग शेयर करेंगे, आज भेज रहे हैं कल भेज रहे हैं करके डिले कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए यूएस जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फ्रांस उससे भी बेटर टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग को ऑफर किया है। यूएस का कहना है कि वो जब भी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी हम लोग के साथ शेयर करेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो 80% शेयर करेगा, मतलब आगे जाके अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो कम्प्लीटली इंडिया में रिजॉल्व नहीं होगा और इंडिया वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कम्प्लीट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि 20% के लिए हम लोग को यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड फ्रांस ने अपने तरफ से जो 110 न्यूटन थ्रस्ट इंजन है उनका बात किया है, वो लोग बोला है कि भाई हम लोग जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली 100% इंडिया के साथ शेयर करेंगे। जो इंजन इंडिया आगे जाके एमका MK2 5th जनरेशन जो जेट है उसमें लगा पाएगा, और इंडिया अपने तरफ से ये जो जेट है ये मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, मगर इसका जो इंजन है इसके लिए दूसरे कंट्री के ऊपर जो डिपेंडेंसी इंडिया का अभी भी है वो आगे जाके नहीं रहेगा, इंडिया अपने तरफ से ये कम्प्लीटली बिल्ड करेगा, और सबसे बड़ी बात जो है ये आपका मेड इन इंडिया होगा। जो तीसरा प्रॉमिस है वो है फ्रांस इंडिया के साथ जो अंडर वाटर ड्रोन होते हैं उसका जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करेगा। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ये अंडर वाटर ड्रोन जो है ये मिलिट्री को बहुत ही ज़रूरत होता है। आज के डेट में अगर नेवी को देखिए, मिलिट्री को देखिए, सर्विलियंस के लिए या फिर मॉनिटरिंग के लिए ये अंडर वाटर ड्रोन का बहुत ज़रूरत, और यही टेक्नोलॉजी जो है फ्रांस इंडिया के साथ शेयर करेगा, जिससे आगे जाके इंडिया जो ये अंडर वाटर ड्रोन है ये अपने तरफ से मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। फोर्थ प्रॉमिस है फुल स्पेक्ट्रम ऑटोनॉमस सिस्टम और जो मिलिट्री सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो।
आगे जाके फ्रांस ये सारा टेक्नोलॉजी भी हम लोग के साथ शेयर करेगा, जिससे जैसे मैंने आपको कहा कि ये मैन्युफैक्चरिंग है ये हम लोग इंडिया में कर पाएंगे, और इसके बदले हम लोग का जो मिलिट्री है उन लोगों का जो मतलब एग्जैक्टली काम करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। अगर कोई सैटेलाइट से मॉनिटरिंग कर पाएगा, मिलिट्री सैटेलाइट जो होता है वो एग्जैक्टली मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया के दुश्मन कुछ करने से पहले एक बार सोचेगा कि भाई सैटेलाइट जो है वो कोई देखे ना देखे ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वो लोग हम लोग को देख रहे हैं, इसलिए हम लोग है इसमें थोड़ा सा चुपचाप ही रहे या फिर इंडिया को हम लोग छेड़े नहीं। तो अगर देखा जाए ये सारा टेक्नोलॉजी अगर इंडिया के पास आ जाता है वो भी एक बहुत बढ़िया प्राइस में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगा वो है यूएस का, क्योंकि उसका जो ट्रेड है उसमें एक हैम्पर होगा। ऑन द अदर साइड यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई उसका इतना पुराना जो डिफेंस डील करता है जिसके साथ यूएस इतना सालों से इतना पैसा ले रहा है उन लोगों के पास से, वो कभी छूट जाए फ्रांस के अलावा। एक टाइम में एक्स्ट्रा सिचुएशन था जिस टाइम में ऑस्ट्रेलिया के साथ जब फ्रांस का डील हो रहा था, यूएस जाके वहाँ भाजी मार दिया जिसके वजह से यह डील कैंसिल हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने जो डील है वो यूएस के साथ कर लिया। आज के डेट में अगर देखा जाए जो सिचुएशन है ये कम्प्लीटली 180 डिग्री ऑपोजिट है। यूएस परेशान है भाई ये फ्रांस अचानक से क्या बोल दिया, अगर फ्रांस ये अभी नहीं बोल के अगर थोड़ा 10 दिन बाद बोल देता या फिर 20 दिन बाद बोल देता तो हो सकता है कि भाई इंडिया हम लोग को पैसा भी दे देता, हम लोग के साथ बहुत सारा डील भी फाइनल कर लेता, आगे जाकर यूएस में कुछ डॉलर और भी आ जाता। मगर इंडिया का ये क्या करे, इंडिया को अभी बेटर डील प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मोदी जी जो है ये तो इतना जल्दी मानने वाला नहीं है। अगर बेटर डील होता है तो उसमें भी भाई टेक्नोलॉजी का शेयर जो है उसमें इंडिया बोलेगा कि भाई हम लोग को 100% चाहिए, अगर आप 80% दोगे तो उसमें हम लोग खुश नहीं है और हम लोग वो लेंगे भी नहीं, क्योंकि 100% देंगे तो आगे जाकर हो सकता है कि इंडिया वो अपने तरफ से डेवलप करे और फिर इंडिया ही दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे, जो यूएस कभी भी नहीं चाहता है। तो होपफुली फ्रांस का ये जो प्रेजेंट स्टेप है इंडिया के लिए ये एक इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। ऑन द अदर साइड आज के डेट में इंडिया एक विन विन सिचुएशन में, जिसमें इंडिया जो दो कंट्री है दोनों में बार्गेन करके जो बेस्ट डील होगा उसको क्रैक करेगा, और होपफुली हमारे अजीत डोवाल साहब जब 30 तारीख को पेरिस में जाएंगे उसके बाद जो मीटिंग होगा उसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट अपडेट है वो पता चल जाएगा। तो जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है इस टॉपिक में आप लोग के लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANUSPACEPOL को जाकर सब्सक्राइब करें, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है आपको क्या देखना पसंद रहता है वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का रोजी रोटी चलता रहता है, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो जो है वो डिफरेंट टाइम में आता रहता है, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप ये वीडियो देख पाएंगे। आज ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।